कोरोना की तीसरी लहर के रोकथाम के लिए जहां एक तरफ जिला प्रशासन लगा हुआ है, वहां दूसरी तरफ युवाओं के द्वारा भी कोरोना से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत आज युवाओं को द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों पर जो लोग मास्क लगाकर नहीं निकल रहे थे उन्हें मास्क वितरण किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि मास्क लगाकर ही घर के बाहर निकले और प्रेरित किया गया। वहीं युवा हिमांशु तिवारी ने बताते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के नियमों में बरती गई थोड़ी सी भी लापरवाही गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। ऐसे में सभी लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का विशेष ख्याल रखना चाहिए। कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन अब भी कई लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, जिसकी वजह से वायरस को फैलने का मौका मिल सकता है। कोरोना के सभी म्यूटेंट से इम्यूनिटी हासिल करने का एकमात्र तरीका वैक्सीनेशन ही है। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वैक्सीन के डोज जरूर लें। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और मैं पाली ब्लॉक से हूं। आज हमारे द्वारा रोको टोको अभियान के तहत कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आज हमारे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर के हाईवे रोड पर जो लोग बिना मास्क के जा रहे थे और मास्क नहीं लगाते हैं उनको मास्क वितरण किया गया और उन्हें समझाइश दी गई कि बिना मास्क के आप लोग न निकले, मास्क लगा कर निकले, क्योंकि कोरोना से बचाव हमारा मास्क है। और साथ ही साथ उन्हें COVID-19 का टीकाकरण के लिए आग्रसित किया गया और प्रेरित किया गया कि आप टीकाकरण जरूर करवा लें, क्योंकि वही हमारी सुरक्षा कवच है। और साथ ही साथ उन्हें मास्क वितरण किए गए। उमरिया से राष्ट्रीय मिश्रा की ये रिपोर्ट।